हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एचआर इम्पीरियल पब्लिक स्कूल। एट दिस टाइम यू आर लिसनिंग योर इंग्लिश टीचर सिब्बा। सो हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? आई होप यू विल बी फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर स्टडी वेरी वेल। सो टुडेज आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट 7 पोएम। सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस पोएम। सो Now in this time I'm going to teach you question answer. Reading is fun. And the first question, how many windows does the house have in this poem? आपका question क्या कह रहा? How many windows does the house have in this poem? आपका question कह रहा इस poem के घर में कितने windows हैं? According to this poem, जो हाउस है उसमें कितने विंडो बने हुए हैं? देन नाउ योर आंसर इज दैट देयर आर 5 लिटिल विंडोज इन द हाउस। देयर आर 5 लिटिल विंडोज इन द हाउस। इस घर में कितने विंडोज हैं? 5 छोटी विंडोज हैं। 5 लिटिल विंडोज हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 5 छोटी खिड़कियां हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द मैरीगोल्ड ग्रो? वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा? गेंद के फूल कहाँ उगते हैं? वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो? गेंद के जो फूल हैं वो कहाँ उगते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं? सो नाउ योर आंसर इज दैट देयर आर 6 येलो मैरीगोल्ड्स विच आर ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। आपका आंसर क्या कह रहा? देयर आर 6 येलो मैरीगोल्ड्स विच आर ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। ये 6 येलो मैरीगोल्ड हैं जो दीवार के अगेंस्ट बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, जो दीवार से चिपक के क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन आंसर। एंड नाउ योर होमवर्क इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चन आंसर एंड आफ्टर देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, That's all. Thank you.